सो गाइस फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आ चुका है और इस मूवी को लेकर जितनी भी लीक डिटेल्स निकल कर आ रही थी उन सभी को इस ट्रेलर ने सही साबित कर दिया है। मल्टीवर्स से लेकर सिनिस्टर 6 तक ये मूवी फैंस की सभी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरने वाली है और ट्रेलर इस बात को साबित कर रहा है कि ये मूवी एंड गेम के बाद मार्वल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है और साथ ही इसमें हमें स्पाइडरमैन के कुछ जबरदस्त सूट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा स्पाइडरमैन के उन सभी सूट्स के बारे में जो हमें नो वे होम में देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस पहला स्पाइडरमैन सूट जो नो वे होम के लिए कंफर्म है वो है उसका रेड एंड ब्लैक सूट जो हमें फार फ्रॉम होम में देखने को मिला था। जब पहली फाइट में मिस्टीरियो अपने इल्यूजन से स्पाइडरमैन को बुरी तरह जख्मी कर देता है तो उसके बाद पीटर हेल्प के लिए हैप्पी को बुलाता है और उसके प्लेन में वो पीटर पार्कर को एक वर्कशॉप दिखाता है जहाँ बहुत सारे स्पाइडरमैन सूट्स थे और उनके अलावा भी पीटर पार्कर खुद के सूट्स डिजाइन कर सकता था। वहाँ पीटर खुद के लिए एक नया रेड एंड ब्लैक सूट चूज करता है और उसको अपग्रेड भी करता है और उसी सूट का यूज करके वो क्लाइमेक्स में मिस्टीरियो को हरा देता है। ट्रेलर देखकर ये बात कंफर्म है कि नो वे होम की शुरुआत वहीं से होगी जहां पे पिछली मूवी फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी, इसीलिए सबसे पहले हमें वही रेड एंड ब्लैक सूट देखने को मिलेगा और इसके अलावा आगे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हुए कुछ फाइट सीन्स में भी स्पाइडरमैन ने यही सूट पहना है तो इसका मतलब कि ये सूट मूवी में आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। दूसरा स्पाइडरमैन सूट जो हमें नो वे होम में देखने को मिलने वाला है वो है रेड ब्लैक और गोल्ड डिजाइन में। इस सूट को नो वे होम की एक मर्चेंडाइज में फीचर किया गया है और मर्चेंडाइज से ही मार्वल मूवीज की काफी डिटेल्स लीक होती रही हैं। ये सूट स्पाइडरमैन के फार फ्रॉम होम वाले सूट और इन्फिनिटी वॉर वाले आयरन स्पाइडर सूट का कॉम्बिनेशन लग रहा है। इसमें आप ये बड़ा सा गोल्ड स्पाइडरमैन लोगो भी देख सकते हैं जो इसे बाकी सूट से अलग दिखा रहा है और ऐसा ही लोगो स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक के एक सूट में भी देखने को मिल चुका है। इसके अलावा आयरन स्पाइडर सूट की तरह इस सूट में भी स्पाइडर लेग्स लगे होंगे और इसके अलावा इस सूट में क्या क्या नई एबिलिटीज होंगी वो तो हमें आगे आने वाले ट्रेलर्स और मूवी में ही पता लगेगा। ये वो सूट है जिसका हम सबको इंतजार था। स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट वैसे तो हम सैम रायमी की स्पाइडरमैन 3 में देख चुके हैं लेकिन एमसीयू में ऐसा पहली बार होगा कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ब्लैक सूट पहनेगा। इस सूट का पूरा बेस ब्लैक है और इस पे गोल्ड की लाइनिंग है। इस सूट को स्पाइडरमैन के टॉयज में भी दिखाया गया है और इसकी एक झलक ट्रेलर में भी दिखाई गई थी। अभी तक इस सूट के एडिशनल पावर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं आई है लेकिन वीडियो गेम्स में स्पाइडरमैन इस सूट को डॉक्टर ऑक्टोपस के खिलाफ यूज करता है और शायद नो वे होम में भी इस सूट का यही पर्पस होगा। अगर ट्रेलर की फुटेज पे बिलीव किया जाए तो आयरन स्पाइडर सूट भी इस मूवी का हिस्सा रहने वाला है क्योंकि ये सूट बहुत ज्यादा कमाल का है और इसको स्पाइडरमैन ने एमसीयू के कुछ सबसे बड़े बैटल्स में यूज किया है और नो वे होम में इतने सारे विलन्स होने की वजह से स्पाइडरमैन को ऐसी ही पावर की जरूरत पड़ेगी जैसे कि इस सूट की नैनो टेक्नोलॉजी और इस सूट का इंस्टेंट किल मोड। लेकिन कुछ फैन थ्योरीज की माने तो उनका कहना है कि ट्रेलर में दिखाया गया आयरन स्पाइडर सूट वाला सीन फेक है क्योंकि मार्वल पहले भी फेक फुटेज को ट्रेलर में यूज कर चुका है ताकि मूवी की डिटेल्स को लीक होने से बचाया जा सके और इसीलिए यहाँ लग रहा है कि मार्वल ने टोबी मैक्वायर की जगह टॉम हॉलैंड को दिखाया है लेकिन एक्चुअल में यहाँ डॉक्टर ऑक टोबी मैक्वायर के पीटर को हेलो कह रहा है। अब ये बात सही भी हो सकती है क्योंकि डॉक्टर ऑक टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को नहीं जानता और वो सिर्फ अपने यूनिवर्स के पीटर को पहचानता है तो वो टॉम हॉलैंड के पीटर को कैसे पहचान लेगा। अब गाइस लास्ट में एक सूट और है जो अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है लेकिन रूमर्स बहुत आ रही हैं। ये सूट डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के सूट के कॉम्बिनेशन जैसा होने वाला है। मर्चेंडाइज में इस सूट को कहा जा रहा है स्पाइडरमैन इंटीग्रेटेड सूट क्योंकि ये सूट डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के साथ इन्फ्यूज हो गया है। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये सूट कोई नया सूट है या फिर ये रेड और गोल्ड सूट का अपग्रेडेड वर्जन है लेकिन जो भी हो इस सूट को देखकर लग रहा है कि ये सूट अटैक भी कर सकता है क्योंकि इसके हाथों में डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक जैसे एनर्जी के सर्कल्स दिख रहे हैं। अब क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करने वाला है तो हो सकता है उसने ही स्पाइडरमैन के नैनोटेक सूट को मैजिकल एबिलिटीज दे दी हो। सो गाइस आप मुझे बताएं कि इन सब में से किस सूट के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।